अभी तक हम लोगों ने मैथमेटिकल फिजिक्स के फूरियर सीरीज के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया। अब सेकंड चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है फ्रोबेनियस मेथड्स एंड स्पेशल फंक्शंस। सबसे पहले चैप्टर्स के ओवरव्यू कर लें कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा सिलेबस क्या है। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, देन सिंगुलर पॉइंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, सिंगुलर पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। इसी में हम एक पढ़ेंगे हमारा पावर सीरीज सॉल्यूशन, पावर सीरीज सॉल्यूशन से कैसे किसी फंक्शंस का वैल्यू या डिफरेंशियल इक्वेशन का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देन देयर वी विल बी फ्रोबेनियस मेथड, इसका एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल लेने के बाद इसके प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे करके। एंड देन हमारे यहाँ पे कुछ चार इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, हार्मोनिक डिफरेंशियल इक्वेशन, लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन। इस सारे के हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिटेल्स में देखना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जनरेटिंग फंक्शंस, रॉड्रिक फार्मूला एंड देन रिकरेंस प्रॉपर्टी और उसके प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू फाइंड द सिंगुलर पॉइंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पावर सीरीज सॉल्यूशन, ताकि हमारा फॉर्मुलिज्म समझ में आए कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अलग अलग टाइप का, ये ओरिजिन का क्या है और कैसे इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। द पावर सीरीज, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी द सीरीज ऑफ असेंडिंग पावर्स ऑफ x, द इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन ऑब्टेन विल हैव इट्स ओन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एंड पेनलिटी। तो पावर सीरीज सॉल्यूशन में हमारा जो टर्म होगा x का, वो असेंडिंग पावर्स ऑफ x होगा और एक इनफाइनाइट सीरीज होगा जिसका अपना कन्वर्जेंस होगा और अपना एक वैलिडिटी होगा, जो हम लोग अभी के आर्टिकल्स में देखेंगे। नेक्स्ट वी विल डिफाइन एनालिटिकल फंक्शन, ए फंक्शन एफ एक्स विच कैन बी एक्सपेंडेड इन टेलर सीरीज ऑन इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट एक्स नॉट, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड एनालिटिकल फंक्शन एंड द सीरीज कन्वर्जेस टू एफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस। जिस सर्फेस पे वो कन्वर्ज होगा वहाँ पे हमारा इसका एनालिटिकल फंक्शन को डिफाइन कर सकेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑर्डिनरी पॉइंट, सो इफ वी कंसिडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx square plus p dy by dx plus qy is equal to 0, where p, q are the polynomials in x, then x is equal to a is an ordinary point of the above equation if the denominator of p and q do not vanish. That is, for x is equal to a, p should not be equal to infinity and q should not be equal to infinity. Then is points ko hum log x is equal to a ko hum log iska kya kahenge, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट कहेंगे। हम लोगों ने देखा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। सो ऑर्डिनरी पॉइंट्स के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लें। यहाँ फर्स्ट एग्जांपल है 1 plus x square plus d2y by dx square plus x dy by dx minus y is equal to 0। अगर 1 minus x square से इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो मेरा डिनोमिनेटर है p के लिए और q के लिए 1 plus x square। सो फॉर p एंड q द डिनोमिनेटर इज 1 plus x square, और जब x is equal to 0 पुट करेंगे तब भी इसका वैल्यू 1 ही रहेगा। सो x is equal to 0 is an ordinary point of differential equation। लेकिन हमारा कंसर्न वो रहेगा जहां पे x का वैल्यू डिनोमिनेटर 0 हो जाए, जहां p का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए और q का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं x square d2y by dx square plus 2x square minus x dy by dx plus y is equal to 0। अगर इसको x square से डिवाइड कर दें तो x is equal to 0 पुट करने पे p का वैल्यू और q का वैल्यू दोनों का वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर सीरीज सॉल्यूशन, इसको हम लोग इसके वर्किंग रूल में देखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट, दैट इज व्हेन p डज नॉट वैनिश फॉर x इज इक्वल टू 0। सो मान लेंगे y इज इक्वल टू a नॉट, असेंडिंग पावर्स ऑफ x का सीरीज सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, तो y इज इक्वल टू a नॉट a1x a2x स्क्वायर a3x q, और इस तरह से k पॉइंट के लिए a के x टू द पावर k हो जाएगा। और इस तरह के सीरीज सॉल्यूशन में जो a नॉट a1 है ये मेरा कोफिशिएंट है x का, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं विद द टर्म ऑफ समेशन, समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a के x टू द पावर k। ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन होगा। तब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसका डिवाइड बाई dx फाइंड करेंगे। सो डिवाइड बाई dx यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, पहले वाले टर्म्स जो है ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया। a1 x का डिफरेंशिएशन 1, उस तरह से x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3, x स्क्वायर, इस तरह से k वाले टर्म का हो जाएगा k टाइम्स x टू द पावर k माइनस 1।
तो इस सीरीज को हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे अब जीरो तो है नहीं, तो वो फर्स्ट टर्म हमारा स्टार्ट होगा k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी k टाइम्स a k x टू द पावर k माइनस 1। इसी तरह से इसका अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करें तो d2y by dx स्क्वायर हो जाएगा 2a2 plus 2 into 3a 3ax plus इस तरह से kth टर्म का हो जाएगा a k k k माइनस 1 into x टू द पावर k माइनस 2। सो ये हम लोग लिख सकते हैं इन द समेशन, जो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है तो k इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी k इंटू k माइनस 1 ak x to the power k minus 2। So number 3, the substitution of values of y dy by dx d2 by dy square, इस तरह से और भी अगर टर्म्स हम लोग निकालें तो उसको हम लोग क्या करेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद फिर हम लोग ये जो कोफिशिएंट है a नॉट a1 a2 a3, इसको कोफिशिएंट को हम लोग फाइंड करेंगे बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x टू 0, x के कोफिशिएंट्स को 0 से इक्वेट करने के बाद सारे वैल्यूज को हम लोग यहां पे सारे कोफिशिएंट्स को फाइंड करेंगे। देन जब हमारा कोफिशिएंट फाइंड हो जाएगा देन इस कोफिशिएंट्स को हम लोग इस जो इक्वेशन हम लोग कंसीडर किए हैं y = x, इसमें इसको पुट कर देंगे तो ये इसका सॉल्यूशन होगा ऑर्डिनरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में। यही है हमारा पावर सीरीज सॉल्यूशन। वर्किंग रूल क्या है हमारा, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन ये इस काइंड के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग y = a0 a1x + a2x² + a3x³ प्लस ए के एक्स टू द पावर के हम लोग पहले एज्यूम करेंगे, एज्यूम करने के बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे और dy by dx और d2y by dx स्क्वायर फाइंड करेंगे जैसे पिछले आर्टिकल्स में हम लोगों देखा। इसके बाद y dy by dx d2y by dx स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको हम लोग गिवन इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा दिया हुआ है उसमें हम लोग सब्सिट्यूट करेंगे। सब्सिट्यूट करने के बाद सारे टर्म्स के कोफिशिएंट्स को हम लोग जीरो करेंगे, इक्वेट करेंगे x के पावर्स के सिविल में और हम लोग फाइंड करेंगे a नॉट a1 a2। नेक्स्ट सबसे हायर पावर जो है kth टर्म जो है kth टर्म को फिर हम लोग कोफिशिएंट को जीरो से इक्वेट करेंगे और एक रिकरेंस रिलेशन फाइंड करेंगे। रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, एक रिकरेंस रिलेशन एक तरह का ऐसा रिलेशन होता है जो जिससे हम बाकी और रिलेशन को फाइंड कर सकें। जब हम लोग इसके वर्किंग रूल के बाद हम लोग जब इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ रिकरेंस रिलेशन को और डिटेल्स में हम लोग वहाँ पे पहचान पाएंगे। सो ये रिकरेंस रिलेशन फाइंड करेंगे देन k इज इक्वल टू 0 1 2 3 पुट करने के बाद जो रिकरेंस रिलेशन हमारा फाइंड हुआ उसके बाद हम लोग a2 a3 a4 ये सब को फाइंड करेंगे एंड देन फाइंड करने के बाद ये सारे वैल्यूज को जब हमारे फाइंड हो गया सबको हम लोग जब पुट कर देंगे इक्वेशन में तो वो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा दिए हुए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो ये हमारा वर्किंग था, वर्किंग रूल्स था, इंपॉर्टेंस था कि ऑर्डिनरी पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ दो तीन एग्जांपल लेके कि इस तरह के वर्किंग रूल को कैसे हम उसमें अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद कैसे हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर सीरीज सॉल्यूशन।